हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार टॉप 10 क्लासेज के क्रैश कोर्स में। जैसा कि पिछले भाग में हम लोगों ने पढ़ा था परागकण, स्वपरागण व परपरागण, इसके पश्चात अब हम लोगों का जो दूसरा टॉपिक है वह है परागकण अंडा पारस्परिक क्रिया। वह है परागकण अंडा पारस्परिक क्रिया, जिसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में पॉलन ग्रेन पिस्टल इंट्रैक्शन। पॉलन ग्रेन पिस्टल इंट्रैक्शन इसका हिंदी होता है परागकण अंडा पारस्परिक क्रिया। फिर आइए अब हम लोग जानते हैं परागकण अंडा पारस्परिक क्रिया क्या होता है। तो गाइस, यहाँ पे मैंने एक चित्र बना दिया, आइए समझते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं एंथर, यह हम लोगों का एंथर और यह हम लोगों का पॉलन ग्रेन, यह स्टाइल हम लोगों का, यह बीजांड। तो गाइस, परागकण अंडा पारस्परिक क्रिया क्या होता है? पुष्प के पुंकेसर भाग के परागकोष से परागकण का मादा भाग के वर्तिकाग्र पर आकर परागनलिका का बीजांड तक जाने की संपूर्ण घटना को परागकण अंडा पारस्परिक क्रिया कहते हैं। गाइस, क्या परागकोष से मुक्त परागकण का पुष्प के वर्तिकाग्र पर आकर पराग नलिका का बीजांड में जाने की संपूर्ण घटना, बीजांड तक पहुंचने की संपूर्ण घटना को हम लोग परागकण अंडा पारस्परिक क्रिया कहते हैं। एक बार फिर से, परागकोष से मुक्त परागकण का वर्तिकाग्र पर आने तथा पराग नलिका का बीजांड तक जाने की संपूर्ण घटना को हम लोग परागकण अंडा पारस्परिक क्रिया कहते हैं। आइए इसकी परिभाषा को लिखते हैं। परागकोष से मुक्त परागकणों का वर्तिकाग्र पर आने वह पराग नलिका को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पॉलन ट्यूब। पराग नलिका का बीजांड तक जाने की प्रक्रिया को बीजांड तक जाने की संपूर्ण घटना को परागकण अंडा पारस्परिक क्रिया कहते हैं। क्रिया कहते हैं। गाइस, एक बार फिर से हम आप लोगों का इसको डिफिनेशन बता देते हैं। परागकोष से मुक्त परागकणों का वर्तिकाग्र पर आने तथा वर्तिकाग्र से बीजांड तक जाने की संपूर्ण घटना को हम लोग परागकण अंडा पारस्परिक क्रिया कहते
है। एक बार फिर से, पराग कोष से पराग कणों का वर्तिकाग्र पर जाने तथा वर्तिकाग्र से पराग नलिका का बीजांड तक जाने की संपूर्ण घटना को हम लोग पराकण अंडक पारस्परिक क्रिया कहते हैं। पराकण अंडक पारस्परिक क्रिया कहते हैं। यह जो पालन ट्यूब है यह तीन जगह से प्रवेश करता है। यह जो पालन ट्यूब है, परागकण का जो पालन ट्यूब है, या हम लोगों के जो ओव्यूल्स है, या पूरा ओव्यूल्स है बीजांड में, यह तीन प्रकार से, यह बीजांड में तीन प्रकार से प्रवेश करता है। बीजांड में यह तीन प्रकार से प्रवेश करता है, जो है पहला है जो हम लोगों का, वह है बीजांड द्वारी प्रवेश। बीजांड द्वारी प्रवेश, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पोरोगैमी। फिर दूसरा है निभागीय प्रवेश। जिसे हम लोग बोलते हैं चैलिजोगैमी। फिर जो हम लोगों का तीसरा है, वह है अध्यावरणी प्रवेश। अध्यावरणी प्रवेश, इसे हम लोग बोलते हैं मीसोगैमी। गाइस, जो हम लोगों का यह जो पालन ट्यूब है, यह है तीन भाग से प्रवेश करता है बीजांड में, या फिर वह बीजांड द्वारी प्रवेश, या पोरोगैमी के द्वारा इसके इसमें प्रवेश करेगा, या फिर चैलिजोगैमी के द्वारा इसमें प्रवेश करेगा, या फिर मीजोगैमी के द्वारा इसमें प्रवेश करेगा। तो गाइस, यह बीजांड द्वारी प्रवेश एक है निभागी प्रवेश, एक है अध्यावरणी प्रवेश। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पर जैसे ये कोई पुष्प का परागण है, अगर यहाँ पर जैसे ये कोई पुष्प का परागण यहाँ पर आया, निषेचन की क्रिया को पूर्ण किया, अगर यहाँ पर किसी फल, किसी मक्का, जौ, बाजरा अगर इत्यादि का अगर यहाँ पर परागकण आया, तो क्या उससे भी यह संलयन की क्रिया करेगा? एक बार क्वेश्चन फिर से, जैसे कि यह तो पुष्प का परागकण है, जैसे यह कोई पुष्प का भाग है तथा यह पुष्प का परागकण है, ये दोनों पुष्प का भाग है या पुष्प का परागकण है। अगर यहाँ पर जैसे कुछ गेहूं, जौ, बाजरा, मक्का अगर इत्यादि का अगर यहाँ पर परागकण आता है, तो क्या यह उससे संलयन की क्रिया को पूर्ण करेगा? अगर आप लोग जानते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हो तो आइए उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो गाइस, अगर इसका उत्तर होगा नहीं, यह उससे निषेचन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि गाइस, जो मान लीजिए, जैसे यह है, इसी में आइए समझाते हैं, जैसे मान लीजिए यह तो पुष्प का परागकण है, यह पुष्प का परागकण है, इससे यह निषेचन की क्रिया किया, इसका यह पालन ट्यूब ओव्यूल्स में चला गया है। मान लीजिए जैसे यह हो गया हम लोगों का मक्का एक बीजपत्री होता है, मक्का का परागकण आया, तो यह उससे निषेचन क्यों नहीं करेगा? इसका कारण है गाइस, क्योंकि जो मक्का होता है, पहले तो इतना निषेचन क्यों करेगा, क्योंकि यह जो पराग नलिका निकलती है, यह इसके थ्रू निकलती है, यहाँ तक आती है, तो जो यह हम लोगों का स्टाइल है, जिसे हम लोग वर्तिका बोलते हैं, वर्तिका में विशेष प्रकार की तंतुएं होती हैं, विशेष प्रकार की तंतुएं ऐसे ऐसे करके होती हैं, विशेष प्रकार के इसमें तंतुएं लगी होती हैं, विशेष प्रकार की तंतुएं लगी होती हैं, जिनमें रासायनिक पदार्थ स्रावित होता रहता है। फिर जब यह मक्का का मान लीजिए परागकण आया,
जो इसमें पराग नलिका में जो रासायनिक पदार्थ स्रावित होगा वह रासायनिक पदार्थ इस तंतु में होने वाले रासायनिक पदार्थ से अलग होगा। अलग होगा तो जब यह अलग होगा तो यह कुछ दूरी तक वृद्धि करेगा। इसके पश्चात जब यह इसका इसमें जो रासायनिक पदार्थ होते हैं इसके रासायनिक पदार्थ से मैच नहीं करते, मिलान नहीं करते, तब यह जो होता है वर्तिका इसके वृद्धि को रोक देता है। वर्तिका जो होता है इसके वृद्धि को रोक देता है। फिर जब वृद्धि को रोक देता है तो यह सूखकर समाप्त हो जाता है। इससे यह सूखकर इसलिए समाप्त होता है क्योंकि इसमें जो रासायनिक पदार्थ या एंजाइम होते हैं या इसके इसके इस पदार्थ के इस तंतु में जो रासायनिक पदार्थ होते हैं इससे ये मेल नहीं खाते हैं तो इसलिए यह शुष्क हो जाता है। और जो यह पुष्प का परागण है इससे जब यह इतना बढ़ेगा तो जब इतना बढ़ेगा तो इसी पर इसका पोषण समाप्त होने लगता है। तो जब यह वर्तिका है, वर्तिका का जो तंतु में रासायनिक पदार्थ बह रहा है और यह जो पुष्प का जो परागकण आया, मान लीजिए यह है पुष्प का परागकण, यह पुष्प का परागकण आया, फिर यहाँ तक आया, फिर इसका पोषण समाप्त होने वाला होता है, तब वर्तिका जो वर्तिका के तंतु में रासायनिक पदार्थ बहता है वह इसके इसमें बहने वाले रासायनिक पदार्थ से मैच हो जाता है, मिल जाता है, तब जो वर्तिका होता है वह अपना पोषण इसे पराग नलिका को देने लगता है, अपना पोषण पराग नलिका को देने लगता है, तब यह जो पराग नलिका है, यह पालन ट्यूब है, यह वर्तिका के पोषण के द्वारा, वर्तिका से पोषण पाकर तब यह वृद्धि व विकास करके बीजांड तक आता है, तब यह वृद्धि व विकास करके बीजांड तक आता है। तो गाइस यह होता है, अगर यहाँ पे किसी दूसरे पुष्प का अगर परागकण आ जाए तो जब इससे रासायनिक पदार्थ का जब मिलान नहीं होगा तब यह सूख जाएगा। अगर जब उसमें उसके पालन ट्यूब में जो रासायनिक पदार्थ होता है वर्तिका के तंतुओं में बहने वाले रासायनिक पदार्थ से मैच करता है तब वह उसे पोषण प्रदान करता है, वह उसे लेकर यहाँ तक भ्रूण कोष तक लेकर आता है। इसका नाम है भ्रूण कोष, भ्रूण कोष। और यह प्रतिध्रुवी कोशिकाएं, प्रतिध्रुवी कोशिकाएं, यह प्रतिध्रुवी कोशिकाएं और यहां पर है अंड कोशिकाएं और यह सहायक कोशिका। यहां पर है अंड कोशिका, अंड कोशिका वह सहायक कोशिका यहीं पर होती हैं तथा यहाँ पर तंतु रूपी समुच्चय भी होता है। तंतु रूपी समुच्चय, तंतुमय समुच्चय, तंतुमय समुच्चय भी होता है। तो गाइस यह क्वेश्चन अगर आप लोग जानते थे तो भी कमेंट करके बताइएगा, हाँ हम जानते थे कि यहाँ पर जो दूसरे किसी पुष्प का परागकण आएगा तो ये इससे निषेचन नहीं करेगा। अगर नहीं जानते थे तो अब जान गए तो कमेंट जरूर करिएगा। जो लोग जानते हैं कि हम इसे पहले से ही जानते हैं तो वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। फिर इसके पश्चात अब हमने आपको बता दिया कि यह अगर किसी दूसरे पुष्प के परागकण आएगा तो यह उससे निषेचन की क्रिया नहीं करेगा। आइए एक बार फिर से हम आप लोगों को बता देते हैं कि मान लीजिए यह पुष्प का यह जो भाग है यह मादा पुष्प का है, मादा पुष्प का है। अगर यहाँ पर कोई मक्का या किसी दूसरे पौधे का परागकण आ गया तो इससे यह संलयन की क्रिया नहीं करेगा। स्टार्टिंग में तो यहाँ पर जो है यहाँ पर सब कार्बनिक पदार्थ जमा रहते हैं, जल व शर्करा, तो इस परागकण का जो बाहरी भाग होता है इंटाइन, इंटाइन परागकण का जो बाहरी भाग होता है इंटाइन इसे पाकर फूल जाता है, तो इसमें जो जर्मपोर होते हैं जर्मपोर से जो यह इंटाइन भाग होता है यह पालन ट्यूब का निर्माण करता है, जो इंटाइन भाग होता है यह पालन ट्यूब का निर्माण करता है। तो आइए अगर आप लोग परागकणों की संरचना के बारे में जो मेरा लेक्चर है अगर वो नहीं देखे होंगे तो जाके लेक्चर 3 या लेक्चर 4 में मैंने परागकण की संरचना के बारे में बताया है, वहाँ पर जाकर आप लोग उसका चेकआउट कर सकते हैं। परागकण की संरचना के बारे में मैंने लेक्चर 3 या लेक्चर 4 में बताया है, आप लोग देख लीजिएगा। फिर आइए फिर हम आप लोगों को एक बार फिर से परागकण की संरचना बनाकर दिखाते हैं। यह जो है हम लोगों का इंटाइन है, फिर इसके बाद यहाँ पर है एग्जाइन भाग,
इसे हम लोग बोलते हैं जर्मपोर, जर्मपोर। यहाँ पर आप लोगों को दिख नहीं रही हो रहा होगा, आइए हम लोग यहाँ बनाते हैं। यह हम लोगों का इंटाइन भाग, यह हम लोगों का एग्जाइन भाग, यह है हम लोगों का जर्मपोर जिसे हम लोग जनन छिद्र बोलते हैं, यह हम लोगों का एग्जाइन, यह हम लोगों का इंटाइन तथा यहाँ पर ये इसका सेंटर है न्यूक्लियस। गाइस यह एक परागकण की संरचना है, इसको मैंने लेक्चर 3 या लेक्चर 4 में टोटली उसे एकदम विस्तार से आप लोगों को बताया है। अगर आप लोगों को नहीं पता होगा तो मेरा लेक्चर 2, 3 या लेक्चर 4 में जाकर देख सकते हैं, परागकण की संरचना के बारे में मैंने बताया। तो आइए यहाँ पर हम लोग जानते हैं, पहले ये एग्जाइन जो है, इसकी एग्जाइन परत होती है, यह एग्जाइन परत यह बहुत ही कठोर होती है। जब यह एग्जाइन परत यहाँ पर आता है तो यहाँ पर जो शर्करा व जल रहता है, शर्करा व जल रहता है तो इसे पाकर यह जो होता है फूल जाता है, फूल जाता है। तब यह जो इंटाइन भाग है, जो यह इंटाइन भाग है, जो आंतरिक परत है, यह सेलुलोज व पेक्टिन की बनी होती है, यह सेलुलोज व पेक्टिन की बनी होती है। जब यह भाग एकदम नरम हो जाता है, प्रारंभ में तो एकदम कठोर और खुरदुरा होता है, जब यह भाग नरम होता है तो जो यह जर्म पोर से, जो यह जर्म पोर है यहीं से जो इंटाइन भाग होता है ये पॉलन ट्यूब का निर्माण कर देता है, और इसका जो केंद्रक होता है यह समसूत्री विभाजन के द्वारा दो भागों में बढ़ जाता है तथा वो दोनों भाग यहाँ पर चले जाते हैं, जिसे हम लोग मेल गैमेट बोलते हैं, जो यहाँ पर आया है मेल गैमेट। तो गाइस यह हम लोगों का परागकण का एक छोटा सा प्रारूप, अगर आप लोगों को देखना हो तो लेक्चर 3 या लेक्चर 4 में जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो अब मान लीजिए यह यहाँ पर आया, यह जो मक्का का परागकण है यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के पश्चात शुरू शुरू में जो इसका एग्जाइन परत था, यह एग्जाइन परत जो था यह मतलब गीला हो गया, फूल कर फट गया। तो जब यहाँ पर जो इंटाइन परत था यह पॉलन ट्यूब का निर्माण कर दिया, जब यह पॉलन ट्यूब का निर्माण किया तो यह पॉलन ट्यूब जो है यहाँ तक आया, जो है पॉलन ट्यूब यहाँ तक आया। फिर जब यह वर्तिका में जो तंतु रूपी जो तंतु थे इनमें रासायनिक पदार्थ स्रावित होता है, तो इसमें जब जो रासायनिक पदार्थ स्रावित हो रहा था और इससे जो रासायनिक पदार्थ स्रावित हो रहा था, ये दोनों मैच नहीं हुए, ये दोनों मिल नहीं रहे थे, ये अलग था ये अलग था। इसलिए जब यह वर्तिका इसको इसका जो पोषण था इसे यहीं पर रोक दिया, पोषण समाप्त होने के कारण यह धीरे धीरे सूख कर खत्म हो गया। और जब इसी पुष्प के जाति का जो परागकण है वह आया, जब उसका एंजाइम इसका रासायनिक पदार्थ इसके रासायनिक पदार्थ से मैच किया, तो यह जो वर्तिका है इसे पोषण प्रदान किया, पोषण जो है पाकर जो पॉलन ट्यूब है वह पोषण पाकर, वर्तिका का पोषण पाकर धीरे धीरे बीजांड तक आ गया। बीजांड तक आने के पश्चात यह यहाँ पर अब बीजांड में जो यह पराग नलिका है यह 3 प्रकार से प्रवेश करता है। जो यह बीजांड में यह परागकण से होते हुए पराग नलिका आया है यह 3 प्रकार से बीजांड में प्रवेश करता है। पहला होता है बीजांड द्वारी प्रवेश, दूसरा होता है निभागी प्रवेश, तीसरा होता है अध्यावर्णी प्रवेश। बीजांड द्वारी प्रवेश कैसे होता है, आइए हम लोग इसे चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो पहला बीजांड द्वारी प्रवेश, गाइस यह हो गया हम लोगों का, पहले 3 बीजांड का चित्र बनाते हैं, फिर इसके माध्यम से आप लोगों को समझा दे तीनों का एक साथ।
गाइस यह हम लोगों का जो है पहला पहला फिगर है, यह हम लोगों का दूसरा फिगर, यह हम लोगों का तीसरा फिगर, तीसरा फिगर। इसको हम लोग जो अभी हम लोगों को फिगर बनाया है इसका कुछ नाम नहीं दिए हैं। तो जो है पहला बीजांड द्वारी प्रवेश, बीजांड द्वारी प्रवेश में जो हम लोगों का पराग नलिका होता है वह है बीजांड के द्वारा, बीजांड के द्वारा भ्रूण कोष में प्रवेश करता है। जो हम लोगों का पराग नलिका होता है वह बीजांड के द्वारा भ्रूण कोष में प्रवेश करता है तो उसे हम लोग बीजांड द्वारी फोरोगैमी बोलते हैं। फिर इसके पश्चात निभागी प्रवेश, निभागी प्रवेश चैलजोगैमी, इसमें जो हम लोगों का पालन ट्यूब होता है जो पराकड़ होता है वो निभागी भाग से वो इससे प्रवेश करता है। अभी हम आप लोगों को दिखाएंगे चित्र बनाकर, पहले एक बार वैसे बता दे रहे हैं यह निभागी भाग से भ्रूण कोष में प्रवेश करेगा तो उसे हम लोग निभागी प्रवेश कहेंगे। फिर अध्यावर्णी प्रवेश, अध्यावर्णी प्रवेश में जो हम लोगों का पालन ट्यूब होता है वो यहाँ अध्यावरण से प्रवेश करेगा, अध्यावरण से प्रवेश करेगा तो उसे हम लोग अध्यावरणी प्रवेश या मीजोगैमी बोलते हैं। तो आइए पहले हम लोग यहाँ पर इसके केंद्रक को बना देते हैं। यह इसका हो गया, अब यह इसका, तो गाइस यह हो गया हम लोगों का पूरा। अब हम लोगों का जो है पहला है वह है बीजांड द्वारी प्रवेश। तो जो हम लोगों का जो पालन ट्यूब होगा, जो हम लोगों का पालन ट्यूब होगा वह बीजांड के थ्रू, जो हम लोगों का पालन ट्यूब होगा वह है वह बीजांड के थ्रू, वह बीजांड के थ्रू इसमें प्रवेश करेगा। ये दोनों हो गए मेल गैमेट, इसमें केवल दो ही मेल गैमेट होता है, ये इसमें हो गए मेल गैमेट। तो ये पर जो है पालन ट्यूब कटा नहीं होता है, हम आप लोगों को वैसे समझाने के लिए बनाए हैं। यह हो गया, यह जो हम लोगों का हो गया यह है बीजांड द्वारी प्रवेश, इसे हम लोग बोलते हैं पोरोगैमी, पोरोगैमी, और इसे हम लोग बोलते हैं चैलिजोगैमी। इसे हम लोग बोलते हैं मीसोगैमी। गाइस पोरोगैमी, पोरोगैमी बीजांड द्वारी प्रवेश, एक बार हम आप लोगों को फिर से बता दें, बीजांड द्वारी प्रवेश वह प्रवेश होता है जिसमें परिनालिका, जिसमें परिनालिका जो नहीं सॉरी परिनालिका नहीं पराग नलिका, जिसमें पराग नलिका बीजांड द्वार के द्वारा भ्रूण कोष में प्रवेश करता है तो उसे हम लोग बीजांड द्वारी प्रवेश करते कहते हैं। फिर से एक बार, बीजांड द्वारी प्रवेश वह प्रवेश होता है जिसमें पराग नलिका वर्तिका से होते हुए बीजांड द्वार के द्वारा भ्रूण कोष में प्रवेश करता है तो उसे हम लोग बीजांड द्वारी प्रवेश कहते हैं। यह जो भाग है इससे यह बीजांड द्वार है, यह है बीजांड द्वार है, यह बीजांड द्वार है, और यह भाग निभागे सिरा है, यह भाग निभागे सिरा है, और यह भाग अध्यावरणी भाग है, अध्यावरण भाग, अध्यावरण भाग, इसमें भी यही निभागी होगा और इसमें भी इधर निभागे सिरा होगा, निभागे सिरा,
और इसे बोलेंगे बीजांड द्वारी सिरा, बीजांड द्वारी सिरा। बीजांड द्वारी सिरा या भी बीजांड द्वारी सिरा या भी निभाग निभागे सिरा। तो गाइस हम लोगों का पहला है बीजांड द्वारी प्रवेश। तो पराग नलिका का वह प्रवेश जिसमें पराग नलिका वर्तिका से होकर भ्रूण कोश में जो होता है भ्रूण कोश में बीजांड द्वार के द्वारा प्रवेश करता है तो उसे हम लोग बीजांड द्वारी प्रवेश कहते हैं। एक बार फिर से, बीजांड द्वारी प्रवेश वह प्रवेश होता है जिसमें परिनालिका वर्तिका से होते हुए बीजांड द्वार के द्वारा भ्रूण कोश में प्रवेश करता है तो उसे हम लोग बीजांड द्वारी प्रवेश कहते हैं। फिर अब हम लोगों का जो दूसरा है वह है निभागी प्रवेश। तो गाइस हम लोगों का निभागी सिरा ये है। तो आइए अब हम लोग पालन ग्रेन को यहाँ से, जो हम लोगों का पालन ट्यूब है वो यहाँ से प्रवेश करेगा। निभागी सिरा ये यहाँ से, जो हम लोगों का पालन ट्यूब है यहाँ से प्रवेश करेगा। इसमें दो मेल गैमेट हो गए। तो गाइस यह जो है यहाँ पर विशेष प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं या निभागी सिरा के ऊतकों से होकर जाता है। तो गाइस जो हम लोगों का निभागी प्रवेश है हम लोगों को यह समझना है, चेलिजोगैमी जिसे बोलते हैं, यह चेलिजोगैमी निभागी प्रवेश वह प्रवेश होता है जिसमें पराग नलिका वर्तिका से होते हुए निभागी सिरा से भ्रूणकोश में प्रवेश करता है तो उसे हम लोग निभागी प्रवेश कहते हैं। एक बार फिर से, निभागी प्रवेश वह प्रवेश होता है जिसमें पराग नलिका वर्तिकाग्र से होते हुए निभागी भाग से भ्रूणकोश में प्रवेश करता है तो उसे हम लोग निभागी प्रवेश कहते हैं। एक बार फिर से, निभागी प्रवेश वह प्रवेश होता है जिसमें पराग नलिका वर्तिका से होते हुए निभागी भाग से भ्रूण कोश में प्रवेश करता है तो उसे हम लोग निभागी प्रवेश कहते हैं। आई होप कि आप लोग समझे होंगे। फिर इसके बाद हम लोगों का तीसरा है अध्यावरणी प्रवेश। अध्यावरण भाग ये है। तो आइए अध्यावरणी प्रवेश हम लोग कराते हैं। ये दो हो गए मेल गैमेट और ये हो गया हम लोगों का पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब गाइस यह जो हम लोगों का तीसरा है यह है अध्यावरणी प्रवेश। अध्यावरणी प्रवेश के बारे में आइए हम लोग जानते हैं। अध्यावरणी प्रवेश वह प्रवेश होता है जिसमें पराग नलिका वर्तिका से होते हुए अध्यावरण भाग से भ्रूण कोश में प्रवेश करता है तो उसे हम लोग अध्यावरणी प्रवेश कहते हैं या मीजोगैमी कहते हैं। एक बार फिर से, अध्यावरणी प्रवेश वह प्रवेश होता है जिसमें पराग नलिका वर्तिका से होते हुए अध्यावरणी भाग से भ्रूणकोश में प्रवेश करता है तो उसे हम लोग अध्यावरणी प्रवेश कहते हैं। तो गाइस एक बार फिर से हम आप तीनों को बता देते हैं। पहला जो है हम लोगों का बीजांड द्वारी प्रवेश वह प्रवेश होता है जिसमें पराग नलिका वर्तिका से होते हुए बीजांड द्वार से भ्रूण कोश में प्रवेश करता है तो उसे हम लोग बीजांड द्वारी प्रवेश कहते हैं। इसके पश्चात जो दूसरा हम लोगों का है निभागी प्रवेश। निभागी प्रवेश वह प्रवेश होता है जिसमें
पराग नलिका वर्तिका से होते हुए निभागी भाग से भ्रूण कोश में प्रवेश करता है, उसे हम लोग निभागी प्रवेश कहते हैं। फिर इसके बाद जो हम लोगों का तीसरा है वह है अध्यावरणी प्रवेश। अध्यावरणी प्रवेश वह प्रवेश होता है जिसमें पराग नलिका वर्तिका से होते हुए अध्यावरण भाग से पराग कोश में प्रवेश करता है तो उसे भ्रूण कोश में प्रवेश करता है तो उसे हम लोग अध्यावरणी प्रवेश कहते हैं। गाइस, यह हम लोगों का पराग नलिका जो है तीन प्रकार से भ्रूण कोश में प्रवेश करता है। पहला है बीजांडद्वारी प्रवेश, दूसरा है निभागी प्रवेश, तीसरा है अध्यावरणी प्रवेश। तो यह हम लोगों का पूरा है परागकण अंड पारस्परिक क्रिया। क्यों परागकण, क्यों जो वर्तिका होता है किसी दूसरे प्रकार के पौधे के या किसी दूसरे प्रकार के पुष्प के वो परागकण को निषेचित नहीं करता, मैंने इसका रीजन आपको बता दिया है। फिर इसके पश्चात जो पराग नलिका होता है वह किन किन मार्गों से भ्रूण कोश में प्रवेश करता है मैंने आपको ये भी बता दिया है। तो फिर आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग पूरा समझे होंगे या जो अभी तक मैंने बताया है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, व चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।